नमस्कार साथियों, साथियों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पेन गो के बारे में बहुत ही शानदार जूम प्रेजेंटेशन, जिसको देखकर आप पेन गो के बारे में पूरी नॉलेज ले सकेंगे। तो शरीर के हर दर्द का इलाज है पेन गो, क्योंकि पेन गो है इस बहुत ही अच्छा है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही अच्छे हैं। हम देखें यहाँ पर पेन गो की तीन विशेषताएँ हैं, इसका नो साइड इफ़ेक्ट्स यानी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं क्योंकि फुल्ली आयुर्वेदिक है। और दूसरा इसका फ़ायदा है, दूसरी इसकी विशेषता है कि डीपली इफेक्टिव होती है, यानी अंदर तक ये जो दर्द होता है उसे इफेक्ट करती है। और तीसरी इसकी विशेषता है 100% आयुर्वेदिक है, कोई केमिकल इसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसके बाद में हम इसके देख रहे हैं, इसकी कंपोजिशन देख रहे हैं, इसके जो अंदर इंग्रेडिएंट डाले गए वो देख रहे हैं, सारे के सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट हैं। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है विंटर ग्रीन ऑयल, जिसकी विशेषताएं हैं कि नर्व पेन को ठीक करते हैं, नसों के जो दर्द होता है, नस वगैरह चढ़ जाती है उसको ठीक करता है। जॉइंट पेन ये जोड़ों के दर्द को ठीक करता है, साथ में जो मसल्स में पेन हो जाता है उसको भी ठीक करता है। उसके बाद में पुदीना का फूल इसके अंदर डाला गया है, जो माइग्रेन में इफेक्टिव होता है, यानी जिसको माइग्रेन है आप इसको लगाइए आपको फर्क पता लगेगा। इसके बाद में एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी बैक्टीरिया को ये मार भगाता है। फिर इफेक्टिव इन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम में पुदीना का फूल काफ़ी उपयोगकारी होता है। इसके बाद में आपको दिख रहा है यहाँ पर कपूर इसके अंदर डाला गया है, जो फ्रेशनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ में एंटी स्वॉली होता है यानी सूजन नहीं आने देता है, सूजन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिर स्प्रेन इफेक्टिव यानी जो मोच वगैरह आ जाती है उसके बाद में इसको लगाया जाता है, जिसके लिए काफ़ी प्रभावी होता है। इसके बाद में अजवाइन का फूल जो बट्स का जो पेन होता है उसमें काफ़ी इफेक्टिव होता है, और जिनको आर्थराइटिस है उनके लिए भी काफ़ी इफेक्टिव होता है इसको लगाया जाए तो, और जो बैक पेन होता है उसके लिए भी ये इफेक्टिव होता है। नीलगिरी का ऑयल भी इसके अंदर डाला गया है, जब फीवर आता है तब आप इसकी मसाज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा, बॉडी मसाज इसकी पूरी हो सकती है, पूरी बॉडी पर मसाज हो सकता है, और ये एंटी बैक्टीरियल तो होगा ही होगा। इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट डाले गए सारे के सारे एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। साथ में टर्पिन ऑयल जो इनहेल के लिए काफ़ी अच्छा होता है, यानी आपकी सांस जो लेंगे उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा, जिससे आपकी सांस को ये प्योर करेगा। उसके बाद इफेक्टिव इन कफ और कोल्ड जब भी होता है आप गले में इसको लगा सकते हैं, बहुत ही रिलीफ के लिए ये अच्छा रहेगा। इसके बाद में नटमेग ऑयल जो आपको इफेक्ट करेगा नी पेन, जो घुटनों का दर्द होता है उसमें काफ़ी ये इफेक्टिव रहेगा, साथ में स्पिनल कॉर्ड का जो पेन होता है उसके लिए काफी अच्छा रहेगा, और जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जो बे ऑयल है वो इंक्रीज स्वेट यानी पसीने को बढ़ावा देता है, आप सर्दियों में इसे लगा सकते हैं, जब आपको कोल्ड वगैरह हो गया है, सर्दी जुकाम हो गया है तो आप इसे लगाइए। साथ में फैक्टर वाउंड घाव पर भी लगाया जा सकता है, जिसको घाव होता है उसमें भी ये लगाया जा सकता है। यानी हमने आपको इतने सारे फायदे बताए एक पेन गो के, यानी पेन गो के इतने सारे फायदे नहीं है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसके ही बहुत ही रोचक फायदे, हमने आपको मुख्य मुख्य फायदे बताए और बहुत ही सुपर से भी ऊपर इसके फायदे होने वाले हैं। इसको आप हर तरीके से लगा सकते हैं, कभी भी इसको लगा सकते हैं, हर तरह के दर्द का निवारण है हमारा पेन गो। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप कहीं पर भी दे सकते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए काफ़ी फ़ायदा होता है इससे, क्योंकि ये हर किसी के घर में यूज हो सकता है, आप किसी को भी इसे दे सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये इफेक्टिव है, बहुत ही जल्दी इफेक्ट करता है। तो यदि किसी को इफेक्ट दिखेगा तो साथ में वो आरसीएम के दूसरे भी प्रोडक्ट आपसे लेगा, यानी सीधी सी बात है बिजनेस को बढ़ाना है तो पेन गो बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। किसी के घर में यदि घुसना है तो पेन गो का सहारा बहुत अच्छा रहेगा, किसी के घर में आरसीएम के प्रोडक्ट डालने हैं तो उसके लिए पेन गो बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमें सस्ता भी पड़ रहा है, आप देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बाकी सारे जो भी दूसरे पेन रिलीफ जेल या बाम होते हैं कितने महंगे, लेकिन पेन गो 30 ग्राम 55 रुपए का आपको डीपी का मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है मार्केट के काफ़ी सारे जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं वह सारे पेन रिलीफर जो होते हैं ये केमिकल युक्त होते हैं, इसकी बहुत ही बेकार दुर्गंध होती है, आप इसकी दुर्गंध से दूर भागना चाहेंगे, बहुत ही बेकार दुर्गंध होती है और ना ही इसको लगाने पर ज़्यादा रिलीफ मिल पाता है, ये केमिकल ही होता है, स्किन को भी ख़राब कर सकता है। लेकिन पेन को आपको आयुर्वेदिक मिलता है, इसकी खुशबू बहुत ही आपको अच्छी लगेगी, आप इसकी खुशबू के फ़ैन हो जाएंगे, इस तरह की आपको इसकी खुशबू मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी जूम प्रेजेंटेशन समाप्त होती ये पेन गो के बारे में, हम आपको नेक्स्ट हमारे सेशन में और भी इससे भी अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और इससे भी अच्छी प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।